हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो है वो है एक बहुत शॉर्ट वीडियो जिस पे मैं बता रही हूँ आधार को लिंक कैसे करते हैं पैन के साथ 2 मिनट्स में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि पैन आधार लिंकिंग बहुत ज़रूरी है और डेडलाइन इसकी जो है वो 31 मार्च दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके बाद हमारा पैन जो है वो इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा और अगर उसके बाद आपको 1000 रुपीज़ का फ़ाइन पेनल्टी पड़ सकती है। तो ये लिंकिंग बहुत ज़रूरी है और लोग परेशान हो गए हैं कि लिंक कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने इन शॉर्ट आपको बताया है कि इसको लिंक आपको कैसे करना है। और इन केस अगर आप जैसे कहीं जाते हैं बैंक वगैरह में, तो आप अगर पैसे जमा कराते हैं तो आप नहीं करवा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ कैसे करना है। तो आपको सिंपल गूगल में लिखना है लिंक पैन विद आधार, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखेंगे आपके सामने ऐसे करके एक वेब पेज ओपन होगा जिसको आपको क्लिक करना है वेब पेज को। एंड इस पेज को ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना डिटेल्स फिल करनी है। बहुत इजी है फ्रेंड्स, कुछ है नहीं ज़्यादा मुश्किल, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपने भरनी है, यहाँ पैन करना है, आधार, देखिए मैं आपको अपना फिल करके दिखा देती हूँ, ठीक है। ये सारा कुछ आपको करना है और कैप्चा कोड डालना है। ये सारा कुछ डालने के बाद, अब मेरा तो ऑलरेडी लिंक्ड है तो वो ऊपर दिखा रहा है उसको कि योर पैन इज़ ऑलरेडी लिंक्ड, पर आप भर के उसको लिंक कर देंगे। और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है तो स्टेटस, मतलब आपने अगर चेक करना है कि आपका लिंक्ड है या नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टेटस चेक कर सकते हैं अपना। जैसे मेरा लिंक था, मुझे पता नहीं था मेरा लिंक था, तो मैंने अपना पैन और आधार दोनों डाले यहाँ पर। एंड ये डालते ही आप देखें अभी ये क्या दिखाएगा। जैसे ये डाले मैंने, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैंने इसको थोड़ा ब्लर किया हुआ है, ये देखें। तो ये इसने दिखा दिया कि आपका पैन ऑलरेडी लिंक्ड है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।